पूरा देश 73rd नेशनल रिपब्लिक डे मना रहा है 26 जनवरी को इस साल। मेरी तरफ से और सारी कौम की तरफ से मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो दिन है जब देश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। उससे पहले जब हम ब्रिटिश राज के अंदर जो एक्ट के तहत चल रहे थे, वो एक कमेटी जो बनाई गई थी अंबेडकर के तले, कमेटी जिसने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जिसे हमारी देश की पार्लियामेंट ने पास किया और उसके बाद ये देश में लागू हुआ। इसको बड़े शान शौकत से पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी परेड जो है वो दिल्ली में जनपथ पे होती है, जिसे जिसमें हर स्टेट की जो टुकड़ियां होती हैं, जो जो स्टूडेंट्स होते हैं या उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं या हर तरह के रंग कल्चर और इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं उसको डिपिक्ट किया जाता है और इसका सैल्यूट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेता है। हमारे देश की सबसे पहली जो परेड जिसमें ये प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसकी परेड की सलामी ली थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा अडॉप्ट हुआ उन्होंने परेड की सलामी ली। लेकिन उसके बाद दिल्ली में या बाकी जगहों पर म्यूजिकल प्रोग्राम्स, बैंड रिट्रीट्स, इस तरह के प्रोग्राम जो हैं मनाए जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनको दिया जाता है, स्टेट लेवल पर भी दिया जाता है और दिल्ली में नेशनल लेवल पर भी दिया जाता है। इस तरह के प्रोग्राम जो हैं इसमें हर साल देश किसी न किसी वीआईपी को यहाँ बुलाता है, जैसे कोई किसी कंट्रीज का हेड हो या कोई ऐसा आदमी जिसका एक इंटरनेशनल लेवल पर एक फेम हो, वो आदमी हमारा चीफ गेस्ट होता है। और इस सेलिब्रेशंस में स्कूलों में, कॉलेजों में या बाकी और डिपार्टमेंट्स में तरह तरह के रंग तरह के प्रोग्राम जो है वो मनाए जाते हैं ताकि 26 जनवरी की अहमियत को उजागर किया जाए। और इस साल भी हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सी स्टेट्स को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, हर स्टेट से झांकियां जो हैं डिफरेंट टाइप की उसमें पार्टिसिपेट करती हैं ताकि उस स्टेट का कल्चर, उस स्टेट की जो अहमियत है किसी तरह की भी, उसको उजागर किया जाता है। और ये रिपब्लिक डे पूरे देश में एक बड़े शान और शौकत से मनाया जाता है। क्या देखिए, देश में हर आदमी को इसे अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आखिर ये हमारी एक आजादी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, जिस दिन हमारे देश ने, जब हमारी आजादी 15 अगस्त 1947 को हुई, लेकिन उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ जिसके जरिए आज पूरा देश चल रहा है, हमें उसको अच्छे तरह से मनाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसे अभी आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है उसे इन्हें एक्टिविटीज से जो है उजागर करना चाहिए कि हमारी इंडिपेंडेंस तहरीक में किस तरह से हमारे लोग जो देश में जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी है और इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, जिससे हम आज एक देश की आज़ादी का दिन जो है वो मनाते हैं।